नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं संकट चौथ। इस बार संकट चौथ का व्रत जनवरी 2023 10 तारीख को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और संकट माता की पूजा की जाती है। संकट चौथ को संकटी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं, माह मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकट चौथ के रूप में मनाई जाती है। और शास्त्रों में संकट चौथ पर मिट्टी से बने गणेश, गौरी, चंद्रमा की विधिवत पूजन का विधान बतलाया गया है। साथ ही इस दिन संकट माता की पूजा भी की जाती है। संकट शब्द का अर्थ है संकट, और इस दिन भगवान गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था, इसीलिए इसको संकट चौथ कहते हैं। इस बार संकट चौथ 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। संकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने का विधान बताया गया है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माह मास की संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। संकट चौथ के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 10 जनवरी को दोपहर में 12:09 से प्रारंभ होकर और इसका समापन 11 जनवरी 2023 को दोपहर 2:31 तक रहेगा। इसीलिए इस बार संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है और इस दिन चंद्रोदय का समय जो है वो शाम को 8:41 पर होगा। इस दिन पूजा कैसे करें? पूजन की विधि इस प्रकार है कि प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दें, इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं, दूर्वा जल अक्षत चावल जनेऊ अर्पित करें, फिर गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस दिन संकट चौथ की कथा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करना बिल्कुल ना भूलें, उनको जरूर करें। शाम के समय भी इसी तरह भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवती जगजननी जगदम्बा माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देते समय लोटे में तिल भी डालना चाहिए। इस दिन गाय की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करना है। संकट चौथ के कुछ खास उपाय हैं, इनको अवश्य करें। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी है तो इस दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ उन्हें घी और गुड़ का भोग लगाना है। पारण के बाद इसे प्रसाद के रूप में खाना है और घर के सभी सदस्यों को बांटना है। दूसरा उपाय, मेहनत या सफलता का फल। आप मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको श्री गणेश जी के मंत्र का जाप करता है, जैसे कि ओम गंग गणपतये नमः या विघ्नेश्वराय नमः। इन मंत्रों का जाप करें या भगवान गणेश जी के 12 नामों का पाठ कर दें। 11 बार जप करना चाहिए और उनके हर मंत्र के साथ पुष्प भी समर्पित करने चाहिए। इसके बाद तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आपको एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना,
उसके बाद उस पत्ते को भगवान गणेश जी को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान गणेश, आप हमारे सभी कष्टों को दूर करें, हमारे सभी परेशानियों को हरण कर लें। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। ये व्रत करने वालों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि, धन वृद्धि, पुत्रों की आयु की वृद्धि होती है और सभी प्रकार के संकटों से मुक्त होकर के वो निर्भय हो जाता है। भगवान गणेश जी की कृपा से उसके सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। बालकों को बुद्धि, विद्या, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये सकट चौथ के व्रत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। धन्यवाद।